नमस्कार दोस्तों, नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल से मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। आने वाले नए साल 2019 की आप सबको मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं चर्चा करूंगी, डिलीवरी के पश्चात बहुत सी स्त्रियां ऐसी होती हैं जिन्हें दूध की मात्रा कम होती है और उनके बच्चे के लिए दूध पर्याप्त नहीं मिलता है, तो हम अपने भोजन में क्या कुछ शामिल करके अपने दूध की मात्रा को बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आगे बढ़ूँ इससे पहले मेरी आपसे विनती है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे का लाल बटन दबा करके आप मेरे नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे किस तरह की जो भी जानकारियाँ मैं लेकर के आऊँ वह आप तक सबसे पहले पहुँचे। देखिए, हमें डिलीवरी के पश्चात भरपूर मात्रा में दूध हो, इसकी शुरुआत हमें गर्भावस्था से ही कर देनी चाहिए, क्योंकि गर्भावस्था में अगर हम संतुलित भोजन करते हैं तो डिलीवरी के पश्चात हमें दूध की मात्रा कम नहीं होती है। इसमें सबसे पहले आता है पानी। गर्भवती महिला को भरपूर मात्रा में पानी पीना चाहिए, कम से कम 13 गिलास, जिससे कि उसके बच्चे को घूमने में आसानी हो और नॉर्मल डिलीवरी होने में भी उन्हें आसानी हो। इसके अलावा पानी की मात्रा की वजह से शरीर में दूध की उत्पादन बढ़ती है। और तुअर की दाल का जूस, ये मैंने खुद आजमाया हुआ है, क्योंकि मैं खुद तुअर की दाल का जूस पीती थी। इतना मुझे बचपन से ही पता था कि तुअर की दाल के जूस का इस्तेमाल करने से दूध की पैदावार बढ़ती है, इसलिए मैंने इस चीज़ को इस्तेमाल किया था। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा हो गया था, यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा दूध हो गया था, मेरा बच्चा पूरा नहीं पी पाता था। तो आपको मैं यही परामर्श दूंगी कि जब आपका गर्भावस्था चालू है उसी समय से आप 4वें महीने से कम शुरू कर दीजिए। जब आप दाल बनाएं तो उसमें दाल में पानी ज़्यादा डालें, जिससे कि आपको भरपूर मात्रा में जूस मिल सके, और उस जूस में आपको 1 चम्मच देसी घी डाल करके पीना है। अगर आप सुबह शाम 2 टाइम पी सकती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप दोपहर में 1 टाइम ले लीजिए, वो भी पर्याप्त होगा। इसके अलावा अगर आप शाकाहारी हैं तो सूखे मेवे, पालक, दूधी, परवल, ब्रोकली, इन सब चीज़ों का भरपूर इस्तेमाल करिए। अगर आप मांसाहारी भी हैं तो आप अंडा और मछली भी खाइए। अगर जिनकी डिलीवरी हो चुकी है और उन्हें दूध नहीं है तो वो क्या करें, क्योंकि बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जिनका 1 महीना 2 महीना 3 महीना इतना ही दूध आता है, जिससे ज़्यादा दूध नहीं आता है। तो उस समय आप क्या कुछ अपने भोजन में शामिल करें जिससे कि आपको दूध हो सके, यहाँ पर मैं उसे आपको बता दे रही हूँ। उसमें आपको पानी तो पीना ही है और तुअर की दाल का जूस भी पीना है। आपको अपने भोजन में ओट्स, दलिया, पालक, दूध, आपको कच्चा पपीता, जीरा जो होता है उसे कच्चा ही आप पीस लीजिए 1 से 2 चम्मच, यानी कि सुबह शाम अगर आप 1-1 चम्मच लेती हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने बच्चे को स्तनपान कराने से 1 घंटा पहले आप इस पाउडर को ले लेती हैं। पाउडर लेने के लिए आप 1 कप दूध ले लीजिए, नहीं तो फिर 1 कप पानी ले लीजिए, उसमें डालिए और पी ले जाइए, तो इससे आपकी दूध की मात्रा बढ़ती है। इसके अलावा एक पाउडर मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, जिससे डॉक्टर ने कई लोगों को परामर्श लिया था और उनके दूध में अच्छी खासी बढ़ोतरी हुई थी, तो इसका नाम है लैक्टोनिक ग्रेन्यूल्स। यहाँ पर मैं आपको पिक्चर दे रही हूँ, कुछ 260 तक इसकी कीमत है और आपको मेडिकल स्टोर पर मिल जाएगा। लेकिन इसे इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से आप जरूर परामर्श ले लीजिए। इस पाउडर को जिसने भी इस्तेमाल किया है उनका कहना है कि हाँ, उनके ऊपर ये असर किया है, उनका दूध बढ़ा है। लेकिन हर किसी के शरीर की प्रकृति एक जैसी नहीं होती है, तो आपके ऊपर भी असर करेगा या जरूरी नहीं है, इसलिए आप डॉक्टर से सबसे पहले सलाह ले लीजिए। इस पाउडर में जो कुछ मिला हुआ वह मैं आपको बता दे रही हूँ। इसमें सतावरी पाउडर, जीरा और पालक का मिश्रण है। तो सतावरी पाउडर ये है जो कि आपको किसी भी आयुर्वेदिक दुकान से मिल जाएगा। सतावरी पाउडर जो होता है ये काफ़ी मददगार होता है आपके दूध की मात्रा को बढ़ाने के लिए। तो आप सतावरी पाउडर 1 चम्मच सुबह शाम दूध में डाल करके पीजिए। अगर आपको चाहिए तो आप उसमें गुड़ भी डाल सकती हैं, शक्कर भी डाल सकती हैं, लेकिन गुड़ ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि गुड़ से आपको सर्दी, खांसी या कफ नहीं होता है। तो आप गुड़ डाल करके इसका सेवन करिए। जीरा मैंने आपको पहले ही बताया है कि जीरा को कच्चा पीस लीजिए, उसका पाउडर बना करके रखिए 1 चम्मच सुबह शाम, नहीं तो फिर आप अपने शिशु को स्तनपान कराने से 1 घंटा पहले 1 चम्मच पाउडर 1 कप दूध या 1 कप पानी के साथ ले लीजिए। पालक 10-15 पत्ते धो लीजिए स्वच्छ पानी में और उसे उबाल लीजिए। उबालने के बाद में आप उसे पीने वाले पानी में मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए, चाहिए तो आप उसमें नमक मिक्स करके पी लीजिए, नहीं तो फिर आप कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालिए, उसमें जीरा डालिए 1 चम्मच और उस पालक के जूस को डाल दीजिए, अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। उसमें नमक मिक्स करिए और फिर उसे आप 2-3 टाइम जितना आप पी सकते हैं पीजिए, क्योंकि उससे भरपूर मात्रा में दूध होता है। तो आप इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखिए ताकि आपको दूध की मात्रा हो सके। यहाँ पर कुछ सूखे मेवे मैं बता रही हूँ। मेवा मसाला जो होता है, यानी कि ड्राई फ्रूट जो होता है, वो आपको डिलीवरी के समय भी लेना है
और आपको गर्भावस्था के समय भी लेना है, जिससे कि आपको काफी ताकत महसूस होती है और इससे दूध की मात्रा के बढ़ने में भी आपको सहायता मिलती है। तो सूखे मेवे का मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ, बादाम, पिस्ता, काजू, किशमिश, छुहारा, मखाना जिसे गिलावा भी कहते हैं, चिरौंजी। इसके अलावा तीन चीज आपको यहाँ पर और लेना है, पिंपरी, हल्दी और सौंठ। पिंपरी, हल्दी और सौंठ जो होती है वो डिलीवरी के पश्चात हमारे शरीर में जो सिकुड़न शुरू होता है, जब हम गर्भावस्था में होती है उसमें पूरे शरीर में फैला हुआ जाता है और डिलीवरी के पश्चात शरीर सिकुड़ने लगता है, तो उससे जो दर्द हमें उठता है उससे निजात दिलाने में पिंपरी, सौंठ और हल्दी जो होती है, हल्दी की गांठ लेनी है, तो ये चीजें मददगार होती हैं उस दर्द को कम करने के लिए। और इसके अलावा ये जो मैंने आपको ड्राई फ्रूट यानी कि मेवा बताया, सबको आपको अलग अलग पीस लेना है, और फिर अगर आप चाहें तो इसे दूध जब पकाने लगे तो इसमें 1-2 चम्मच, जितना आपसे खाया जा सके 1-2 चम्मच, आप उसमें 2 चम्मच कम से कम आप डालिए, उसके साथ में गुड़ डाल दीजिए और उसे पका करके पी लीजिए। इसके अलावा एक तरीका और भी है इसे बनाने का, कि आप कढ़ाई में थोड़ा सा घी डालिए और उसमें ये सारे मेवे के जो पाउडर हैं वो आप 1-1 चम्मच या 2-2 चम्मच डाल दीजिए, उसे थोड़ा सा हल्का फ्राई करिए और फिर उसमें दूध और गुड़ डाल लीजिए और फिर आप उसका सेवन करिए। तो इन सब चीज़ों का सेवन करने से आपके शरीर में भरपूर मात्रा में दूध का उत्पादन होने लगता है। और जो मैंने पाउडर बताया है उसे भी आप अपने डॉक्टर से पूछ लीजिए, और अगर आपकी डॉक्टर सलाह देते हैं तो आप उसका भी सेवन कर सकती हैं। मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।